हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में एसपीयू स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज का पार्ट 3 डिस्कस किया जाएगा। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, एसपीयू की इस सीरीज के दो पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। दोनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्यूवर्स, इस मुकम्मल सीरीज में हमने पास्ट पेपर्स और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को शामिल किया है। जितने भी एमसीक्यूज हम एसपीयू की इस सीरीज में डिस्कस करेंगे, उन तमाम एमसीक्यूज को इस तरीके से डिटेल से डिस्कस किया जाएगा कि उन्हें तैयार करने से आपकी आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी हो सकेगी। क्वेश्चन नंबर 51। इससे पहले के 50 एमसीक्यूज पार्ट 1 और पार्ट 2 में मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें एसपीयू की मुकम्मल सीरीज के साथ साथ एसपीयू के तमाम सॉल्व्ड पास्ट पेपर्स मौजूद हैं। The average adult has a blood volume of about dash liter. एक बालिग इंसान में जो औसत खून होता है वो 4 लीटर तक होता है। व्यूअर्स, अगर आप इसे एक्यूरेट देखना चाहें तो मेडिकली टर्म में इसे कहा जाता है कि इंसानी जिस्म में खून की मकदार 4.5 लीटर से 5.5 लीटर तक होती है। बहुत से पेपर्स में 4-5-6 लीटर इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत से पेपर्स में 4.5 से 5.5 तक का ऑप्शन दिया गया है। अगर पेपर में 4.5 से 5.5 तक का ऑप्शन हो तो आपने इसे टिक करना है। अगर टू द पॉइंट फिगर्स डिजिट्स दिए गए हों बगैर इशारिया के विदाउट पॉइंट तो आपने 4 लीटर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 52। नांगा पर्वत इज रैंक्ड द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। नांगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है। नांगा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है। नांगा पर्वत को हिमालय में वाकया है। नांगा पर्वत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में वाकया है। व्यूअर्स, अगर आप मजीद नांगा पर्वत से रिलेटेड एमसीक्यूज देखना चाहते हैं तो एसपीयू इसी सीरीज का पार्ट 2 देखें। इससे पिछले वाला पार्ट देखें जिसमें हमने नांगा पर्वत को बहुत डीपली डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 53। मालम जब्बा इज एसोसिएटेड विद। मालम जब्बा जो है ये स्केटिंग की वजह से मशहूर है। व्यूअर्स, मालम जब्बा जो है ये सैदू शरीफ, ये शहर का नाम है, उसके ईस्ट में 40 किलोमीटर के फासले पर ये गांव मालम जब्बा वाकया है। मालम जब्बा सतह समंदर से 2,804 मीटर की बुलंदी पर है। क्वेश्चन नंबर 54। चश्मा बैराज वाज बिल्ट ऑन द ईयर ऑफ। चश्मा बैराज को 1971 में तामीर किया गया। व्यूअर्स, इसकी जो एक्यूरेट डेट है वो कुछ इस तरह से है कि 1967 में इसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और 1971 में चश्मा बैराज जो है ये मुकम्मल हुआ। चश्मा बैराज ज़िला मियांवाली में वाकया है। ज़िला मियांवाली में दरियाए सिंध पर इसे तामीर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55। द मीट एंड एग्स आर रिच इन। अंडे और गोश्त, इनमें बहुत ज़्यादा मिकदार में वाइटामिन्स पाए जाते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में किसी में मीट, किसी में फिश और किसी में एग, इन तीनों चारों चीज़ों को बार बार रिपीट किया गया है। नोट कर लें, मीट, फिश और एग, यानी कि गोश्त, मछली और अंडे में बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स और सूटेबल एसेंशियल फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स हैं, इन्हें याद रखें, मोस्ट रिपीटेड है। व्यूअर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल ई टेस्ट पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर की लेटेस्ट वीडियोस, लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स आपको सबसे पहले मिल सकें। व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट एसपीयू की इस सीरीज़ को आप नोट्स की सूरत में बज़रिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके घर बैठे इस सीरीज़ को बज़रिया डाक मंगवाएं। हमारा ई टेस्ट प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 56। मकरान कोस्टल हाईवे इज कॉल्ड। मकरान कोस्टल हाईवे को N10 भी कहा जाता है। व्यूअर्स, मकरान कोस्टल हाईवे के दो नाम हैं। एक नाम जो है वो नेशनल हाईवे है, इसे नेशनल हाईवे भी कहा जाता है और N10 भी कहा जाता है। बहुत से पेपर्स में मकरान कोस्टल हाईवे की लंबाई पूछी गई है। मकरान कोस्टल हाईवे की लंबाई 653 किलोमीटर है।
मकरान कोस्टल हाईवे जो है ये ग्वादर से शुरू होती है और कराची तक जाती है। ये रूट मैप जो है ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट पंजाबी पोइट, पहला पंजाबी का शायर बाबा फरीद को कहा जाता है। बाबा फरीद 1173 में कोठेवाल में पैदा हुए। कोठेवाल जिला मुल्तान में एक जगह का नाम है जहां पर बाबा फरीद पैदा हुए थे और पाक पतन में वफात पाई। क्वेश्चन नंबर 58, द एवरेज टेम्परेचर फॉर ह्यूमन इज 10 सेंटीग्रेड, इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल दर्जा हरारत है वो सेंटीग्रेड में 37 सेंटीग्रेड है। अगर आप इसे फारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 98.6 98.6 फारेनहाइट होगा। ये आपको फारेनहाइट और सेंटीग्रेड में इसलिए बताया गया है क्योंकि बहुत से पेपर्स में सेंटीग्रेड दिया गया है और बहुत से पेपर्स में फारेनहाइट। ये दोनों याद रखें कि इंसानी जिस्म का जो नॉर्मल दर्जा हरारत सेंटीग्रेड में है वो 37 सेंटीग्रेड है और अगर इसे फारेनहाइट में पूछा जाए तो ये 98.6 फारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 59, SNGPL स्टैंड्स फॉर, SNGPL स्टैंड्स फॉर सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड। वीवर्स, ये जो SNGPL है ये सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड का मुखफ्फफ है। इसके अलावा नोट कर लें कि सुई गैस को सुई के मुकाम पर 1952 में दरियाफ्त किया गया। बलूचिस्तान में एक कस्बा है जिसका नाम सुई है जहां पर गैस को 1952 में दरियाफ्त किया गया। ये कुदरती गैस 1952 में दरियाफ्त हुई और 1955 में इस गैस की बकायदा तौर पर कमर्शियल सप्लाई शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 60, द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन का सिंबल एच है। इसके अलावा एच ई जो है ये हीलियम का सिंबल है और एल आई जो है ये लिथियम का सिंबल है। ये मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जो मैट्रिक लेवल पर आपको पढ़ाए जाते हैं। इन सिंबल्स को याद रखें, मुख्तलिफ पेपर्स में ये सिंबल पूछे गए हैं। व्यूवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आप हमारी वेबसाइट का एड्रेस नोट कर लें, इसे याद कर लें, www.etest.com.pk। इस वेबसाइट पर आपको पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले तमाम इम्तिहानात की तैयारी के लिए डाटा मिलेगा। जो डाटा हम etest.com.pk वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, इस किस्म का डाटा आपको पाकिस्तान की किसी भी वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। हमने इस वेबसाइट पर पोस्ट वाइज डाटा अलग डाला है, डिपार्टमेंट वाइज अलग डाला है, साल वाइज अलग डाला है, टेस्टिंग सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग डाटा इस वेबसाइट पे अपलोड किया है। इसलिए कम से कम एक बार आप हमारे इस वेबसाइट को लाजमी विजिट करें। इंशाल्लाह एक बार अगर आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे उसके बाद हमारी वेबसाइट को रोजाना की बुनियाद पर खुद भी विजिट करेंगे और दूसरे लोगों को भी आप हमारी etest.com.pk वेबसाइट के बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, इसके साथ साथ ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ने आप लोगों की आसानी के लिए ई टेस्ट मोबाइल ऐप भी इंट्रोड्यूस करवा दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह आप गूगल प्ले स्टोर से व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह डाउनलोड करते हैं, उसी तरह आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई टेस्ट लिख कर सर्च करेंगे, पहले दूसरे नंबर पर आपको हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप मिलेगी। इस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की तैयारी आप हमारी इस ई टेस्ट मोबाइल ऐप से कर सकेंगे। ई टेस्ट मोबाइल ऐप का फ़ायदा ये है कि कहीं पर भी किसी भी वक्त आप मोबाइल में ऐप को ओपन करें और आसानी से आप किसी भी पेपर की तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर, इंसानी जिस्म में छोटी और बड़ी हड्डियों की तादाद 206 है। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करें, बहुत से पेपर्स में एडल्ट्स की बोन्स पूछी गई हैं, एक जवान बंदे की बोन्स पूछी गई हैं और बहुत से पेपर्स में जब एक बच्चा पैदा होता है उसकी बोन्स पूछी गई हैं। नोट कर लें, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके जिस्म में 300 हड्डियाँ होती हैं। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वक़्त के साथ साथ वो हड्डियाँ आपस में जुड़ना शुरू होती हैं और एट द एंड ये हड्डियाँ आपस में जुड़ कर 206 हड्डियाँ बन जाती हैं। एक पैदा हुए बच्चे में, जैसे ही बच्चा पैदा होता है न्यू बॉर्न बेबी में 300 हड्डियाँ होती हैं जबकि किसी जवान में 206 हड्डियाँ होती हैं। इन दोनों को याद रखें, इन्हें मिक्सअप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 62, मैकेनिक्स हीट लाइट एंड साउंड आर दी ब्रांचेज ऑफ, मैकेनिक्स हीट लाइट और साउंड ये तमाम जो हैं फिजिक्स की ब्रांचेज हैं।
वीवर्स, बेसिकली जो फिजिक्स की ब्रांचेस हैं वो दो हैं, जिनमें मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स शामिल है। आगे ये जो मैकेनिक्स है, हीट है, लाइट है, साउंड वगैरह वगैरह, ये तमाम जो हैं आगे इन दोनों ब्रांचेस की सब ब्रांचेस हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर जो है ये एनर्जी का यूनिट है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट पूछा गया है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है और पावर ताकत का यूनिट वाट है। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन। व्यूअर्स, एटमॉस्फेयर जो है इसकी लेयर्स होती हैं, इसकी सतह होती है, ये इसमें आयनोस्फेयर ऐसी लेयर है जो रेडियो कम्युनिकेशन, रेडियो की जो लहरें हैं उन्हें एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने में आसानी फराहम करती हैं। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में पूछा गया है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, कितनी तहें हैं। नोट कर लें, एटमॉस्फेयर की जो मेन बुनियादी लेयर्स हैं वो पांच हैं, जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर शामिल है। व्यूअर्स, यहाँ पर जो चौथी लेयर है थर्मोस्फेयर, इसकी आगे एक सेकेंडरी लेयर है, या इसकी आप आगे सब लेयर कहने, जिसे आयनोस्फेयर कहा जाता है। यहाँ पे कैंडिडेट्स जो हैं 6 लेयर्स को टिक करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एटमॉस्फेयर की कुल लेयर्स की तादाद 5 है। क्वेश्चन नंबर 65, मॉनसून इज कास्ड बाय सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स। मॉनसून, अक्सर आपने सुना होगा कि मॉनसून का मौसम है, मॉनसून का मौसम उस वक्त आता है जब किसी भी सीजन में गर्मी हो या सर्दी हो, हवाएं जो हैं वो वापस आना शुरू कर दें, रिवर्सल ऑफ विंड्स का सिस्टम शुरू हो जाए, तो तब मॉनसून शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय, मशहूर किताब है अल कानून, ये अबू अली सीना ने लिखी। अबू अली सीना जो है ये एक मुसलमान साइंटिस्ट थे, इन्हें अबू अली सीना या इब्ने सीना कहा जाता है, ये दोनों इन्हीं के नाम हैं। इन्होंने मेडिसन पर तकरीबन 5 किताबें लिखी। अलबत्ता मज़ीद इस बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जहाँ तक हमारी रिसर्च है, हमें यही यहाँ से मिला है कि इब्ने सीना ने जो कुल किताबें लिखी मेडिसन पर वो 5 हैं। क्वेश्चन नंबर 67, द गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन ए आर, विटामिन ए जो है ये वाफर मकदार में सब्ज पत्तों वाली सब्जियों में पाया जाता है, जबकि विटामिन सी जो है ये ताज़ा सब्जियों और फलों में पाया जाता है, और आयोडीन जो है ये सी फूड्स में पाया जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये बीजों में पाया जाता है। अक्सर जो है सब्जियां हैं जिनके हम बीज खाते हैं, उन बीजों में, उन सीड्स में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 68, मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, मेट्रोलॉजी जो है ये एटमॉस्फेयर की स्टडी है। वीवर्स, ये कहा जाता है कि 1350 BC में मेट्रोलॉजी को अरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाया। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है, चार्ज का यूनिट कॉलम है और वर्क का यूनिट जाउल है। वीवर्स, ये तमाम यूनिट्स आपको SI के मुताबिक बताए जा रहे हैं, SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 70, द लेंसेज विच आर यूज्ड इन कैमरा आर कॉल्ड, कैमरा में जो लेंस इस्तेमाल होते हैं उन्हें कन्वेक्स लेंस कहा जाता है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में माइक्रोस्कोप का पूछा गया है, माइक्रोस्कोप में भी जो लेंस इस्तेमाल होता है वो भी कन्वेक्स लेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 71, CNG stands for कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG को पहली बार 1930 में मुतारफ करवाया गया, इन्वेंट किया गया। इसके अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो CNG इस्तेमाल करता है मुल्क, वो ईरान है। क्वेश्चन नंबर 72, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज रिजल्ट ऑफ, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स और ऑस्टोमेल्किया, ये दो बीमारियां होती हैं। इनमें ये होता है कि जो पहली बीमारी है ऑप्शन ए वाली, इसमें जो हड्डियाँ होती हैं वो नरम होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा ऑप्शन डी जो है ये भी ठीक है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी जो है दोनों ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर वो चाहता तो इन्हें ए एंड बी करके इसे करेक्ट कर सकता था, लेकिन पेपर में जो की थी उसमें ऑप्शन डी को ही
टिक किया हुआ था, लेकिन ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ठीक हैं। इसके अलावा विटामिन ए की कमी की वजह से रात का अंधापन की बीमारी हो सकती है, और विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी की बीमारी लाग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 73, मिल्क कंसिस्ट ऑफ वाटर, दूध जो है इसमें कुदरती तौर पर 87% पानी होता है, इसमें दूध में 87% पानी होता है और 13% सॉलिड्स होता है, लेकिन अगर आप इसे हकीकत में देखें तो 87% पानी तो अल्लाह ने दूध में शामिल किया है, और इसमें मजीद 13% जो है वो हमारे जो गवाला हजरात हैं, दूध सप्लाई करने वाले हैं, वो शामिल कर देते हैं। हकीकत में तो ये 100% पानी ही हम तक पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट कॉलम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट कई पेपर्स में पूछा गया है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। व्यूअर्स आपने परेशान नहीं होना, ये इंग्लिश की वर्डिंग है, मैं इसको हर वर्ड को मैं ट्रांसलेट करूंगा। रेड ब्लड सेल्स इंसानी जिस्म में जो खून है उस खून में खुलिए होते हैं जिन्हें सफेद खुलिए सुर्ख खुलिए कहा जाता है। जो सुर्ख खुलिए हैं उनकी जिंदगी, उनका लाइफ स्पैन जो है ये जिंदगी को कहा जाता है, उनका जो लाइफ स्पैन है उनकी जिंदगी 120 दिन है, जबकि जो सफेद खुलिए हैं उनकी जिंदगी 9 से 12 दिन है। वीवर इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, ये चंद सवालात आपके साथ डिस्कस किए हैं, किसी भी क्वेश्चन के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट सीरीज़ के पार्ट 4 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे चैनल ईटेस्ट को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।